एक बात बता दूं आप, एक सियासी कारकुन के नाते, एक पाकिस्तानी के नाते, वज़ीर-ए-आला के नाते नहीं, पाकिस्तान आज चौराहे पे खड़ा है और इस मुल्क के लिए बनने में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनकी रूह भी आज तकाजा कर रही हैं कि हमें होश के नाखून लेने होंगे, इस मुल्क को बचाना होगा। मईशत वेंटिलेटर पर है, इकनॉमिक मेल्टडाउन शदीद है, अवाम में इंतशार भर दिया है इमरान नियाजी की बदतमीज़ी ने, बदअखलाकी ने, और तमाम सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। जो इदारे हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, अदलिया है, वो पाकिस्तान की सलामती की जामिन है। और हमेशा मैं बदतरीन इंतकाम का सामना किया, मेरे वालिद ने किया, कभी हमने इदारों को ख़िलाफ़ हर्जा रसाई नहीं की। ये आदमी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ललकारता है जलसों में, ये अपना जो है वो कोई साजिश का जस्ट सर पार नहीं है। इसलिए जब कानून की इन्होंने अपना जो है ना वो धज्जियाँ उड़ाई, इन्होंने कहा कि हम हाथापाई करेंगे, तो इमरान नियाजी एक बात बता दूं, मैं मुझे पसंद हूं, मैंने जेलें काटी हैं, मेरी पार्टी ने जेलें काटी हैं, लेकिन तुम्हें आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सियालकोट में कहीं गौर करो, अगर तुम चाहते हो कि मसीह बरादरी जो है वो नाराज़ हो, उनके जज्बात इश्तियाल का शिकार हो और वहाँ पर कोई खुदा न खास्ता अफसोसनाक वाक़या, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आवाम जान ले कि जहाँ जलसा करना था करे, तमाशा लगाना था कराए, लेकिन कानून के साथ खेलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। एक सियासतदार के नाते, एक पाकिस्तानी के नाते, वज़ीर-ए-आला के नाते नहीं, पाकिस्तान आज चौराहे पे खड़ा है और इस मुल्क के लिए बनने में लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी रूह भी आज तकाजा कर रही हैं कि हमें होश के नाखून लेने होंगे, इस मुल्क को बचाना होगा। मईशत वेंटिलेटर पर है, इकनॉमिक मेल्टडाउन शदीद है, अवाम में इंतशार भर दिया है इमरान नियाजी की बदतमीज़ी ने, बदअखलाकी ने, और तमाम सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। जो इदारे हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, अदलिया है, वो पाकिस्तान की सलामती की जामिन है। और हमेशा मैं बदतरीन इंतकाम का सामना किया, मेरे वालिद ने किया, कभी हमने इदारों को खिलाफ हर्जा रसाई नहीं की। ये आदमी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ललकारता है जलसों में, ये अपना जो है वो कोई साजिश का जस्ट सर पार नहीं है, वो अवाम को धोखा दे रहा है, जिस तरह इसने अवाम को धोखा दिया था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, इसने वादा किया मैं 50 लाख घर दूंगा, लाखों लोगों